मच रियल लाइफ और मैं हूँ मधुमिता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्रिसमस डेकोरेशन आइडियाज। आज मैं आप लोगों के साथ 5 क्रिसमस डेकोरेशन आइडियाज शेयर करूंगी जो कि मेरे घर में है, ऐसे चीज़ों से मैं क्रिएट करने की कोशिश किया है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है मैं बार बार यूज़ करती हूँ, बार बार मेरे डेकोरेशन के वीडियो में यूज़ कर चुकी हूँ। शायद आप लोगों में भी से बहुत सारे लोगों जो कि मुझे पहले से फॉलो करते हैं या तो मेरे वीडियो देखे हैं तो उन सभी को पता चली जाएगा ये सारे प्रोडक्ट पुराना है। और ऐसे पुराने कुछ चीज़ों से मैं कुछ नए क्रिएट करने की कोशिश किया हूँ। और जी हाँ, मैं कोशिश ही करूँगी। और मेरा ये छोटा सा कोशिश अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इन 5 में से कौन सा डेकोरेशन आप लोगों को अच्छा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। क्या आप लोग मेरे लास्ट ईयर की डेकोरेशन वीडियो, क्रिसमस डेकोरेशन वीडियो देखे हैं? अगर आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो। तो डेकोरेशन नंबर 1 ये है एक अट्रैक्टिव सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आपके घर में कोई भी जगह या कोई स्पेस खाली है तो उसको खाली छोड़ना भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसी तरह आप अपने घर में इस तरह की एक सिटिंग अरेंजमेंट बना सकते हैं। मेरी ये जगह खाली है तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ बनाया जाए। और आप देख रहे हो कि मेरे जो वॉल है ये भी बिल्कुल खाली है, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ एक क्रिसमस ट्री बनाया जाए एक गार्लैंड से। तो ये है वो गार्लैंड जो कि मैं 5 दिराम 10 दिराम की जो शॉप है वहाँ से ख़रीद के लेकर आई हूँ। यहाँ बहुत मिल जाता है गिफ्ट मार्केट, डे टू डे मार्केट, वहाँ इजीली आपको मिल जाएगा। इसका प्राइस 3-4 दिराम है। तो इसको मैं इस तरह से लगाऊंगी वॉल पे। एक्चुअली ये जो वॉल हैंगिंग जो क्रिसमस ट्री है ये आपको YouTube में बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो ज़रूर YouTube में एक बार चेक कर लीजिए, इस तरह की बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मैं इस तरह से डबल साइडर जो टेप है उससे मैं उसी की मदद से मैं ये बना रही हूँ। अभी इस ट्री में मैं कुछ ऑर्नामेंट्स लगाऊंगी, जो क्रिसमस ट्री की जो ऑर्नामेंट्स होता है, रेड बॉल, स्टार, ये सारी चीज़ मैं यहाँ एक एक करके लगा दूंगी और इसके साथ एक फेयरी लाइट भी ऐड करूंगी। तो आप देख सकते हो ये है इसका फाइनल लुक, बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपके घर में कोई भी पार्टीज हो या तो कोई भी गेस्ट आने वाले हैं तो आप क्रिसमस ट्री इस तरह से वॉल में डेकोरेशन कर सकते हैं। और अभी मैं यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट करूँगी, इसीलिए एक मैट बिछा दी हूँ। अगर आपके पास कारपेट है तो आप कारपेट रख सकते हैं, मैं कारपेट यूज़ नहीं करती हूँ। और उसके बाद एक फ्लावर वास में मैं कुछ जो सूखी डाल होता है, जो सूखी ब्रांच होता है, ड्राई ब्रांच जो मैं रोड से उठा के लेकर आई हूँ, उसको मैं रखी हूँ और उसमें मैं कुछ प्यारी लाइट्स लगा दूँगी। अभी मैं उसके आगे एक स्टूल रख रही हूँ और स्टूल में एक क्रॉस करके एक प्लेसमैट बिछा रही हूँ। और उसके बाद मैं 2 चेयर यहाँ ऐड करूँगी और चेयर में 2 कुशन भी होगा और वो भी क्रिसमस कुशन। अभी मैं इस स्टूल के ऊपर एक ट्रे रखूंगी और ट्रे में कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कुछ कैडबेरीज है और एक क्रिसमस कैप है और कुछ फेरी लाइट्स है, कैंडल लाइट है। और अभी मैं यहाँ ऐड करूँगी एक बैटरी ऑपरेटेड बल्ब जो कि इस टूल के नीचे मैं लगा दूँगी, बहुत खूबसूरत लगेगा इससे। मैं पहले इसको लगा चुकी हूँ, बहुत खूबसूरत लगता है, तो इस तरह से मैं इसको लगा दूँगी। तो आप देख सकते हो ये फाइनल लुक, बहुत ही खूबसूरत लगता है।
तो नेक्स्ट है डेकोरेशन नंबर टू, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें मैं डाइनिंग टेबल डेकोरेशन करूँगी। तो इसमें मैं एक टेबल क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ जो वाइट कलर की है और प्रिंटेड है, और आप देख सकती हो यहाँ वॉल भी खाली है। तो मैंने यहाँ एक लास्ट ईयर की छोटा सा क्रिसमस ट्री था उसमें मैं एक फेयरी लाइट लगा दी हूँ। तो ये इस तरह का है। और यहाँ मैं एक क्रिसमस प्रिंटेड टेबल क्लॉथ को एज ए रनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत एक टेबल क्लॉथ है। एक्चुअली मैं यहाँ रेड वाइट एंड ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, ख़ास करके क्रिसमस डेकोरेशन में ये तीन कलर ज़रूर होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अभी मैं यहाँ एक छोटा सा वुडन ट्रे रख रही हूँ, इस तरह का है। घर में जो कुछ है उसी से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और अभी मैं इसमें एक ग्रीन कलर की गार्लैंड से इसको इस तरह से घुमा के यहाँ रख दूंगी। और यहाँ एक बैटरी ऑपरेटेड फेयरी लाइट भी ऐड कर दूंगी और एक रेड कलर की कैंडल भी बीच में रखूंगी। आप देख सकते हो इस तरह से मैं फेयरी लाइट लगा दी हूँ और बीच में एक कैंडल रखूंगी। और इसके बाद मैं यहाँ एक बो ऐड कर रही हूँ, और ये बो एक्चुअली जो गिफ्ट रैप होके आते हैं ना उसमें होता है ये, और ये मैं रख दी थी। तो ये मैं यहाँ इसके साथ ऐड कर रही हूँ। और ये एक डाइनिंग टेबल है तो प्लेट्स भी अरेंज करना चाहिए, तो इसलिए मैं दो साइड में प्लेट्स अरेंज कर दूँगी। और इसको और डेकोरेटिव बनाने के लिए दो साइड में दो नैपकिन रख दूंगी प्लेट के ऊपर। और ये नैपकिन नहीं है, ये एक प्लेट मैट है, तो मेरे पास जो है मैं वही कर रही हूँ। और अभी दो साइड में दो बैटरी ऑपरेटेड कैंडल रख रही हूँ। और इसके बाद मैं कुछ छोटा छोटा कैंडल जो भी टी लाइट कैंडल होता है वो रख दूंगी। तो वो करने के बाद ही पूरा टेबल का जो डेकोरेशन है, यानी डाइनिंग टेबल का जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद मैं सारे लाइट्स और कैंडल जला दूंगी। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप देख सकते हो ये है फाइनल लुक। और एक बात मैं कहूँगी कि अगर आपके डाइनिंग टेबल और बड़ा है तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो। मेरे डाइनिंग टेबल बहुत छोटा है तो इसलिए इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं रख रही हूँ, जैसे कि नैपकिन होल्डर, ग्लासेस और भी बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हो। मेरा नेक्स्ट जो डेकोरेशन है, यानी डेकोरेशन नंबर थ्री जो है, वो है सोफ़ा डेकोरेशन, या तो सोफ़ा की आसपास की डेकोरेशन। तो ये है सोफ़ा, तो इसको मुझे डेकोरेट करना है। तो सोफ़ा के ऊपर का वॉल जो है मैं बिल्कुल खाली कर चुकी हूँ, और यहाँ मैं एक मेरी क्रिसमस जो कि DIY करके बनाई हूँ वो यहाँ स्टिक करूँगी। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये कुछ नहीं है, बस इसको अच्छी तरीके से इसको लिख कर उसको काट करना है और इस तरह से इसको स्टिक करना है। बहुत ही इजी है। और कुछ गार्लैंड भी मैंने इसके साथ लगा दिया है और फेयरी लाइट भी ऐड कर दिया है। और सोफ़ा में मैं कुछ कुशन भी रखी हूँ जो कि क्रिसमस रिलेटेड है, और एक क्रिसमस प्रिंटेड थ्रो ब्लैंकेट भी यहाँ रखी हूँ। और अभी विंटर के टाइम सोफ़ा में एक बहुत ही कलरफुल ब्लैंकेट रखा जाए, यानी थ्रो ब्लैंकेट जो है वो रखा जाए, तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और उसके साथ साथ कोजी भी फील होता है। और सोफ़ा के पास एक क्रिसमस ट्री है,
जो कि मैं लास्ट ईयर आप लोगों के साथ शेयर की थी किस तरह से मैं इस क्रिसमस ट्री को सजाई हूँ। तो मेरा फोर्थ जो डेकोरेशन है वो है टी टेबल डेकोरेशन या तो कॉफ़ी टेबल डेकोरेशन। तो ये है मेरा टी टेबल और उसमें मैं एक प्लेस मैट रख रही हूँ रेड कलर की और उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल ग्रैश रख रही हूँ और ये भी मैंने गिफ्ट मार्केट से एक परचेस किए है। और उसके ऊपर मैं एक केक प्लेट रख रही हूँ और इस केक प्लेट को मैं एक वाइट एंड ग्रीन कलर की गार्लैंड से सजाऊंगी और उसके बाद मैं कुछ डेकोरेशन कर दूंगी जैसे कि स्टार्स बॉल्स जो कि क्रिसमस ट्री का जो डेकोरेशन होता है उसी से मैं ये सारे ऑर्नामेंट लेके ये इसको सजा दूंगी। आप देख सकते हो और नीचे का जो प्लेट है वहाँ मैं कुछ केक्स रखूंगी और केक रखने के बाद उसकी चारों तरफ कुछ टी लाइट कैंडल जला दूंगी। और इसके दो साइड में दो कोस्टर रख के उसके ऊपर दो रेड कलर की कैंडल रख दूंगी और कैंडल को जला दूंगी। ये बहुत ही सिंपल एक सजावट है, ये इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। और ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि ये सजावट आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है डेकोरेशन नंबर 5। दिस इज़ द फाइनल डेकोरेशन और ये एक कबर्ड है और इसके ऊपर मैं एक टी स्टेशन बनाऊंगी। एक्चुअली मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, वो है कॉफ़ी स्टेशन किस तरीके से घर में बना सकते हैं हम, तो वो वीडियो मेरे चैनल में है, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो। तो यहाँ मैं ये वॉल जो है वो खाली है तो इसलिए मैं एक प्यारी लाइट लगा दी हूँ और इसके ऊपर मैं एक टेबल क्लॉथ दे दूंगी। मेरे पास ये रेड कलर की टेबल क्लॉथ था तो ये मैं यहाँ दे रही हूँ और इसके ऊपर एक छोटा सा गोल्डन कलर की कपड़े के टुकड़ा था मेरे पास तो वो भी मैं यहाँ रख रही हूँ। और ये एक मेसन जार है, इसके अंदर मैं एक फेरी लाइट लगा दी हूँ और कुछ जो बॉल्स है वो भी रखी हूँ, बॉल्स स्टार्स ये सब रखी हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ रख रही हूँ एक टी वुडन बॉक्स, इसमें बहुत सारे टी बैग्स आए थे और उसके ऊपर एक गोल्डन कलर की प्लेस मैट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक प्लास्टिक की वाइट कलर की ट्रे रख रही हूँ और ट्रे के ऊपर एक फ्लावर वास रख रही हूँ। और उसके बाद मैं रख रही हूँ यहाँ, मेरे बेटे जब छोटे थे तब उनके लिए मैं एक जो कप होता है कप और प्लेट और उसके साथ एक टी पॉट मैं परचेस की थी तो वो मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है। और एक टी बैग के जो डब्बा है वो भी रख रही हूँ और इसको सजा दूँगी बॉल स्टार्स और छोटे छोटे टी लाइट कैंडल के साथ। एक्चुअली ये डेकोरेशन कुछ ज़रूरी है नहीं, एक्चुअली ये डेकोरेशन करने से आपके जो गेस्ट है उसको बहुत ही अट्रैक्ट करेगा, बस देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैं ये डेकोरेशन कर रही हूँ। और एक एक करके एक बैटरी ऑपरेटेड स्नोमैन, एक इलेक्ट्रिक केटल और एक बड़ा साइज का रेड कलर का कैंडल ये ऐड कर रही हूँ और कैंडल को जला दूँगी, बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये है इसका फाइनल लुक।
देखिए हम लोग एक्सपेंसिव डेकोरेशन तो कर ही सकते हैं, पर घर में है ऐसे बहुत सारे चीज़ से जो कि यूज़ किया हुआ है, ऐसे चीज़ों से भी हम अपने घर को सजा सकते हैं, बहुत ही सुंदर से सजा सकते हैं।